पांचवा शो आज और बम्बई में है, 400 अहमदाबाद में हो चुके हैं। जो पवन जी ने मुद्दा उठाया है, जिस तरीके से वो आगे लेके बढ़ रहे हैं, इट्स फैंटास्टिक। इन फनकारों को ढूंढना पैन इंडिया अपने आप में एक बड़ी बात है, और द वे इज डूइंग इट, हैट्स ऑफ टू हिम। फिफ्थ जीनियस इंडियन अचीवर्स अवार्ड है और यहाँ हम 60 प्लस ऑल इंडिया से इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन स्पेशल कैटेगरी में हम उनको सम्मान कर रहे हैं और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसी से, और आगे भी हम जो आगे के 4 अवार्ड जो हो चुके हैं उसमें करीबन हम 300 लोगों को ऑलरेडी सम्मानित कर चुके हैं। तो ये जो फिफ्थ अवार्ड जा रहा है वो बहुत जितने अचीवर्स है उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। अनिल मुरारका सर, अमन तारिका, पवन अग्रवाल सर, काफ़ी हमारे गेस्ट भी आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो और भी ये हमारा शो जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। थैंक यू। ये अवार्ड कैटेगरी जो है वो आर्ट है, कलेक्शन है, फिलान्थ्रोपिस्ट है, सोशल है, ऐसी 7 कैटेगरी के अंदर हम अलग अलग अवार्ड दे रहे हैं। तो आज हम इसी कैटेगरी में 60 अवार्ड इसको अवार्ड दे रहे हैं। जितने भी बॉम्बे महाराष्ट्र से करीबन हमारे पास 600 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, तो उनका कहना था कि एक महाराष्ट्र में होना चाहिए, 4 हमने अहमदाबाद किए, तो महाराष्ट्र के लोगों का कहना था कि भाई एक मुंबई में करो महाराष्ट्र के अंदर। तो सर ने, मुरारका सर ने हमने सपोर्ट किया, ऋषि सरोड़े ने जो रोल मॉडल स्केटर्स है उन्होंने, दोनों लोगों ने मिल के ये मेरा इतना सपोर्ट किया है, तभी मैं हिम्मत कर पाया हूँ ये करने के लिए। मैं ये कह रहा था कि बच्चों को इतनी कम उम्र से, नाजुक उम्र से जो उनके टैलेंट होते हैं, चाहे वो बड़ा हो या चाहे वो बच्चा हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो तामीर है और जो परख है और जो उसको हौसला अफजाई देने का जो काम है, ये जीनियस अवार्ड्स बहुत बखूबी कर रहा है। गुजरात में इतना बड़ा काम किया, गुजरात में इतना नाम कमा के अब बॉम्बे में आ रहे हैं, तो ये ग्रो कर रहे हैं, दर्शा रहा है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड ओवर की, विश्व भर की बात है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, सबका समागम है जीनियस इंडियन अचीवर्स अवार्ड्स। तो मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं पवन जी को, अनिल जी को, ऋषि भाई को, जिन्होंने इतना खूबसूरत इनिशिएटिव उठाया है। और मैं चाहूँगा कि जितने बच्चे हैं इससे कितने उत्साहित होते हैं, कितनी उनको जो है वो प्रेरणा मिलती है और उनको और मन करता है कि वो पढ़ाई लिखाई के अलावा भी अगर कुछ कर सकते हैं, कुछ उनमें कोई अजीबोगरीब कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो उसे बाहर निकाल के रखने की सामने दुनिया की जो चीज़ है ये वो कर रहे हैं। बहुत 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 बढ़िया, बहुत उम्दा काम। लेकिन अपने आप में जो, जैसे अमन भाई ने कहा, पवन जी जो काम कर रहे हैं काबिले तारीफ है। जो स्पार्क इन बच्चों में है, देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अमन भाई, आज एक कलाकार की बात करता हूँ, सचिन तेंदुलकर साहब की, वो भी 10th पास हैं लेकिन आज ग्लोबल फिगर है, आज कौन नहीं जानता उनको। मतलब एवरी किड देयर इज अ स्पार्क समवेयर, वी नीड टू नर्चर इट एंड टेक इट फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट पवन जी इज डूइंग टुडे। पवन जी को नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। अदरवाइज आप यकीन माने, गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट या एक अवार्ड पाना इज अ कन्फर्मेशन कि आप जो काम कर रहे हो अब आपको और उम्दा काम करना है आगे चल के, वहाँ कोई ठहराव नहीं हो सकता। तो थैंक्स टू पवन जी फॉर दैट। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, आई एम मिस्टर नवीन बारोट फ्रॉम गुजरात, आई मीन नडियाद। मैं पवन भाई को इतना बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट्स, जो मेंबर्स लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो इंसान है, उसमें जो छुपी हुई शक्ति है, जो टैलेंट्स है, वो इसके जरिए जो बाहर ला रहे हैं, इससे मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पवन भाई और उसकी टीम को इतनी शक्ति दे कि ऐसा प्रोग्राम बार बार आए और दुनिया के सब बच्चे बहुत आगे आए। थैंक यू। अभी इस साल मुझे जो अच्छा रिस्पांस मिला, इतना अच्छा सपोर्ट मिला, इतना आशीर्वाद मिला है, तो नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान इससे भी बड़ा करने का है। तो नेक्स्ट ईयर हम फिर से ये मुंबई में करेंगे और बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। सबका सपोर्ट रहा तो हम बड़े लेवल पे ये अगेन ये अवॉर्ड करेंगे। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, रखे तुझको आंधिया या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा।
पवन जी जिस लक्ष्य की बात कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को सामने रखते इतने सालों से आगे बढ़ रहे हैं, मेरी ये दिल से मनोकामना है कि ये और आगे 500वां ये वर्ष है, मैं चाहता हूँ कि 555वें वर्ष में भी मैं यहाँ पे तो नहीं रहूँगा, लेकिन इनके आगे जो चल रही है पीढ़ी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये काम जो है जारी रखें, मेरी ये दुआ है। टू गुड। 23 जून 2019 को एक ऐसा ही कोई शो डिज़ाइन किया हुआ हमने, जिसको हमने नाम दे रखा है द शूरवीर अवार्ड्स, जो पिछले 6 साल से कर रहे हैं, और भारत प्रेरणा अवार्ड्स, एक मर्जर करके इस बार एक शो कर रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, मीडिया भाइयों से, कि आप आएँ, देखें कि हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इट इज़ अ शो फॉर द रियल हीरोज ऑफ लाइफ, जिन्होंने देश के लिए कुछ ऐसा अजूबा किया है, नायाब किया है, और जो हम तक मतलब आवाम तक नहीं पहुंचा है, उन सितारों को इकट्ठा करके एक मंच पर लाने की कोशिश की है। तो लेट्स प्लीज कम टुगेदर एंड टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू। अगर मेरे किशन कन्हैया नहीं होते तो ये अवार्ड फंक्शन बहुत मुश्किल था मेरे लिए यहाँ पे करना। इनके साथ के सिवा, एम्पल मिशन के सिवा रोल मॉडल कुछ भी नहीं है। मेरे किशन कन्हैया के आशीर्वाद से आज ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मुंबई में फिनिक्स मॉल में ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है। सबकी दुआ है, मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया इस अवार्ड फंक्शन के लिए, उनका सब और आपका सबका शुक्रिया। दिल में एक ऐसा था कि एक अवार्ड फंक्शन रोल मॉडल स्केटर करे, जिया के साथ मिल के आज मैंने दिखा दिया मुंबई को कि एक अवार्ड फंक्शन एम्पल मिशन रोल मॉडल स्केटर और जिया साथ में कर सकते हैं। एम्पल मिशन तो बहुत सारे अवार्ड फंक्शन करते हैं, पर दादा के आशीर्वाद से आज ये पहला अवार्ड फंक्शन था रोल मॉडल स्केटर का, और दादा को खाली 2 घंटे की फ़ोन कॉल पे दादा आए हैं और पहले से हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत मदद की है इस अवार्ड फंक्शन के लिए। बस और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कल तक बहुत डिसअपॉइंटेड था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने मेरे वाइफ को कहा कि कैसे करेगा, उसने कहा कर लेगा। एज ए टीचर मुझे जज को सिखाने में बहुत मज़ा आता है, पर एज ए फादर मैं बहुत डरता हूँ अपने फेलियर से, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ। बच्चा बाप के आगे ही होता है, उसने प्रूव किया आज वापस। और आप जो बोल रहे हैं, आप डर रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं आप? एक परफॉर्मेंस में इनकी वजह से, इनकी वजह से डर रहा हूँ। हो गए 20 साल हो गए, पर अवार्ड्स की जर्नी 2016 से शुरू हुई। और आई नो ऑनर 2016 में शुरू किया था उन्होंने, हमको पहला अवार्ड उन्होंने नॉमिनी किया था। पवन सोलंकी जो थे फर्स्ट, जो सीईओ है, चेयरमैन है, उन्होंने पहली नॉमिनेशन दी थी, और अब तक हम 77 रिकॉर्ड्स कर चुके हैं, और ये नवंबर में लिम्का बॉक्स पूरा करेंगे। ये पूरा जो साथ है, ये साथ दिया है मेरी टीम ने, मेरी वाइफ, माई सन, मेरे पेरेंट्स खड़े और मेरे दोस्त लोग खड़े पीछे, ये सबका सपोर्ट था और यहाँ तक पहुँचे जर्नी। बहुत जल्द आप लोग को मिलेंगे 101 अवार्ड के साथ। जाना पड़ रहा है, तो इट वॉज लाइक सच अ प्लेजर।
अवार्ड शो तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये जो इंडियन अचीवर्स है 61 अवार्डीज है, तो उन सब के अलग अलग टैलेंट्स को ऑल ओवर इंडिया से जो ये अवार्ड रिकग्नाइज कर रही है, इट्स अ फैंटेस्टिक थिंग। अ ह्यूज शाउट आउट टू जीनियस इंडियन अचीवर्स अवार्ड, और ये इनका 5वां अवार्ड है, अवार्ड फंक्शन है, और ये जो अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं जो टैलेंट के लिए अलग अलग स्टेट से आ रही है, वो कोई कोई कॉइन कलेक्ट करते, कोई डांसर्स है, कोई अलग अलग यूनिक टैलेंट्स लेके आते, सो इट्स फैंटेस्टिक टू रिकग्नाइज देम। एंड आई थिंक हमारे इंडिया में हमें ये टैलेंट को यू नो वी शुड इनकरेज देम, बिकॉज इंडियन टैलेंट कैन गो ग्लोबल, तो कोई ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है, बॉर्डर नहीं है, एंड यू हैव द होल वर्ल्ड टू कॉन्कर। मैं एक गाना गाऊं, तू घंटी बिग बैंड की पूरा लंदन ठुमकदा, वो जदू नच पैण दी पूरा लंदन ठुमकदा। पहले तो जिया को हम थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म शेयर किया हमारे साथ और बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड सेकंड ऋषि सर को थैंक यू कहेंगे, उनकी वजह से आज ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा है और हमें बहुत खुशी हो रही है। बस और बाकी आप सबका आशीर्वाद है और आगे बढ़ता जाए ये बच्चा। बच्चा साथ देता है, सर कर लेते हैं, दिन भर पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है, बाद में उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट बताता है तो हम उसके पीछे दौड़ते हैं आज।